कुछ ऐसे कलर्स हैं जो अगर आप लोगों के सामने पहन कर जाते हो तो आप उनको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हो, बिकॉज डिफरेंट कलर्स डिफरेंट इमोशन को इवोक करता है। और सबसे बड़ी बात, कलर्स आपके माइंड पर ट्रिक्स भी खेल सकते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप सामने वाले को कलर्स के थ्रू अट्रैक्टिव समझोगे। 6 ऐसे कलर्स, जिस कलर के शर्ट टी शर्ट अगर आप पहनते हो तो लोगों के नजर में आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। किसी स्पेशल ओकेजन लाइक बिजनेस मीटिंग, डेट, पार्टी, किसी की शादी में आप सामने वाले को शो कर सकते हो दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव। पॉइंट नंबर 6, पिंक। लोग सोचते हैं कि पिंक जो है गर्ल्स का कलर है, ओनली गर्ल्स कैन वियर इट, लेकिन आप देख सकते हो विराट कोहली कितने ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं इस ड्रेस में। पिंक कलर मींस आप रोमांटिक और अप्रोचेबल हो, यानी अगर आप पिंक कलर वेयर करते हो तो सामने वाले को आप ये शो करते हो कि आप रोमांटिक और अप्रोचेबल हो। जब आप पिंक कलर वेयर करते हो या फिर आपका फेवरेट कलर पिंक है, दिस शोज कि आप काफी ज्यादा रिजर्व्ड पर्सन हो और आप स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ज्यादा प्रेफर करते हो और आप गिविंग और रिसीविंग में ज्यादा बिलीव करते हो। लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये पिंक कलर एक ट्रिक खेलता है जिसमें आप सामने वाले को अप्रोचेबल और रोमांटिक लगते हो। तो पिंक इज वेरी अट्रैक्टिव कलर, इसे आप ब्लैक और व्हाइट के साथ पेयर कर सकते हो। जब भी आपको फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखना है आप पिंक कलर प्रेफर करो। पॉइंट नंबर 5, मरून। मरून इज वेरी सेक्सी कलर, इसे डार्क रेड भी कहा जाता है, विच इज वेरी सेक्सी एज रेड। ये एसोसिएटेड है पैशन और ब्यूटी से, यानी जब आप मरून को वेयर करते हो या फिर आपका फेवरेट कलर मरून होता है तो ऐसे सिचुएशन में लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये एक शाइन जाता है कि आप पैशनेबल हो और आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी है। पैशन यानी आपको पता होगा किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, यानी जुनून बोलते हैं इसे, पैशन को। और दूसरा होता है ब्यूटी, यानी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों को ब्यूटी बोलते हैं। मरून एक वार्म कलर है जो रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ और करेज को इवोक करता है। मरून एक रोमांटिक और क्यूट कलर है जिसे आप हैप्पी एनवायरनमेंट में पहन सकती हो, सच लाइक डेट, पार्टी, किसी की वेडिंग में या फिर नॉर्मल लाइफ में भी आप सेक्सी और अट्रैक्टिव दिखने के लिए इसे पहन सकते हो। चूजिंग टू वियर मरून, इट मींस कि सामने वाला उस दिन जो भी करने वाला है उसके लिए वो बहुत पैशनेट है। जब आप मरून वेयर करते हो तो ये सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में एक शाइन देता है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने गोल को लेकर। मरून कलर को आप ब्लैक, व्हाइट एंड लाइट गोल्डन में पेयर कर सकते हो। जैसे ये पिक आप देख सकते हो, मरून कलर का शर्ट एंड ब्लैक कलर का जीन्स मैंने पहना हुआ है। ये पिक आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वैसे ऐसे ही पोस्ट वगैरह देखने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यूजर आईडी दिख रहा होगा एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अगर आपको यहां तक पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर एसोसिएटेड है स्काई से और सी से, जो इंट्यूशन, इंस्पिरेशन और सेंसिटिविटी को शो करता है। ब्लू ऑल्सो ट्रस्ट, लॉयल्टी, विजडम और कॉन्फिडेंस को शो करता है। जनरली मैं स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल ज्यादा लोगों को करते हुए नहीं देखता हूँ। ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्काई ब्लू कलर का शर्ट या पैंट यूज नहीं करते। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, स्काई ब्लू इज एसोसिएटेड विथ ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी। जब आप स्काई ब्लू पहनते हो तो सामने वाले के माइंड में ये एक इमोशन ट्रिगर करता है जिसमें आप उसे ट्रस्टवर्दी लगने लगते हो और वो सोचता है कि वो आप पर डिपेंड कर सकता है। लेट्स से आप कहीं बिजनेस मीटिंग वगैरह में जाते हो, सामने वाले को आपको शो करना है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, ऐसे सिचुएशन में आपको स्काई ब्लू को प्रेफर करना चाहिए। व्हाइट, ब्लैक, बेग, डार्क ब्लू, येलो एंड ग्रे के साथ आप इसे पेयर कर सकते हो। स्काई ब्लू की सबसे अच्छी खासियत है ये शो करता है ट्रस्टवर्दीनेस। हम इंसान को क्या चाहिए? ट्रस्ट। हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं हम उस पे ही डिपेंड होते हैं। लेट्स से कभी आपको दोस्ती करनी है, लेट्स से आप सामने वाले को शो करना है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, लेट्स से आप किसी अनजान बंदे से बात करते हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन में स्काई ब्लू पहनो, ये बेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 3 जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरा फेवरेट कलर है, वही कलर का शर्ट मैं जनरली ज्यादा पहनता हूँ। पॉइंट नंबर 3, ब्लैक। ब्लैक जो कलर है सबसे बवाल कलर है, ये पावर और स्ट्रेंथ को शो करता है। ब्लैक पावर और स्ट्रेंथ को क्यों शो करता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ब्लैक एसोसिएटेड है एविल से और डेविल से, और बुराई का प्रतीक क्या होता है? डेविल होता है। आपने सुना होगा, आई एम डेविल ऑफ माई वर्ल्ड, यानी एविल, डेविल, ये सब जो होता है पावर, उसके अंदर पावर होती है, स्ट्रेंथ होता है। तो जब आप ब्लैक पहनते हो तो सामने वाले के दिमाग में आता है पावर और स्ट्रेंथ, यानी अगर आप काउबॉय भी होते हो तो बैड बॉय लगने लगते हो उसे। जितने भी बैड गाइज के क्वालिटीज हैं ये इसी से एसोसिएटेड हैं, इंटेलिजेंस, पावर, सीरियसनेस, मिस्ट्री, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। मोस्टली लोगों को आपने ब्लैक वेयर करते हुए देखा होगा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि ब्लैक बैड गाइज को शो करता है और उनके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, ऐसे क्वालिटीज जो सामने वाले को इम्प्रेस करके रखते हैं।
66% वुमेन सोचती हैं कि मेंस पर ब्लैक बहुत ज़्यादा सेक्सी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड 48% मेंस सोचते हैं कि ब्लैक वुमेन्स पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सेक्सी लगता है। जब आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो आप देखोगे मोस्टली मैं ब्लैक वेयर करता हूँ। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, ब्लैक मुझे बहुत पसंद है एंड ब्लैक बैड गाइज शो करता है। जब आप ब्लैक वेयर करते हो, दिस शोज कि आप सामने वाले के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हो कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। वेल, ब्लैक को तो बहुत तरीके से पेयर किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो पेयर होता है वो ब्लैक के साथ ही होता है, ब्लैक का, और दूसरा होता है वाइट के साथ। जैसे आप देख सकते हो, ब्लैक को मैंने ब्लैक के साथ पेयर किया है, विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, और ब्लैक को मैंने वाइट के साथ पेयर किया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोगों से एक निवेदन है कि जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद है। पॉइंट नंबर 2, रेड। स्टडीज़ बताती हैं रेड मोस्ट अट्रैक्टिव कलर है मैन एंड वोमेन पर, जिसमें टू जेंडर्स अपोजिट जेंडर पर अट्रैक्ट होती हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। वोमेन मैन पर अट्रैक्ट होती हैं जब वो रेड पहनते हैं, बिकॉज ये एक सिग्नल पहुंचाता है उनके डोमिनेंस और स्टेटस का। एंड्रयू इलियट के हिसाब से उन्होंने एक रिसर्च किया जिसमें आप अगर सिंपली रेड वियर कर लेते हो तो आप अपोजिट सेक्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। अगर आपका पर्सनालिटी कलर रेड है, यानी अगर आपको रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हो और आप रिस्क लेने से डरते नहीं हो। एक थ्योरी भी है, रेड अट्रैक्शन इफेक्ट। इस थ्योरी के हिसाब से जिस भी चीज़ पर आप रेड कलर को रख दोगे वो चीज़ अट्रैक्टिव बन जाती है। जिस भी टारगेट को आप अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो उस पर रेड डाल दो। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जब हम सोचते हैं लव के बारे में तो उसका जो कलर हमारे दिमाग में आता है वो होता है रेड। हाउएवर, एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर आप रेड पहनते हो डेट पर तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो सामने वाली या वाले को। ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड लाइट गोल्डन, ये कलर्स हैं जो आप रेड के साथ पेयर कर सकते हो जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाएगा आपको। पॉइंट नंबर 1, वाइट। वाइट इज़ द कलर मोस्ट एसोसिएटेड विथ क्लीनलीनेस, यानी ये प्योरिटी और क्लीनलीनेस के साथ स्टैंड करता है। वाइट हमेशा अच्छी चीज़ों का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। जब भी लड़ाई खत्म होता है तो वाइट झंडा दिखाया जाता है, शांति का प्रतीक इसे बोलते हैं। वाइट ऑल्सो एसोसिएटेड है लर्निंग और नॉलेज के साथ, क्योंकि वाइट क्लीनलीनेस और फ्रेशनेस से एसोसिएटेड है। इसलिए अगर आपका मूड खराब भी है और सामने वाला व्हाइट पहन के आता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली। व्हाइट उन कलर्स में से एक है जो इजी टू मैच होता है हर कलर्स से मोस्टली। व्हाइट को आप रेड, ब्लैक और ब्लू के साथ पेयर कर सकते हो जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये थे 6 ऐसे कलर्स जिसको अगर आप पहनते हो तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो लोगों के नज़रों में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और रिलेशनशिप, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल इस नंबर पे मैसेज करके बुक कर सकती हो। मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ एंड आपको ऐसे ऐसे अमेजिंग टिप्स देता हूँ जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंड अगर आपने मुझे अलग अलग सोशल मीडिया पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।